नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में करीब एक दर्जन से ज्यादा चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज आदि अनेक इंस्टीट्यूट है, जिसे चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव अशोक जीव तोड़े तथा उनकी पत्नी अध्यक्ष के रूप में संचालित कर रहे हैं, जिन पर सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक गोपाल सातपुते ने आयोजित पत्रकार परिषद में संस्था संचालक पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व रिटायर करने में सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया तथा SIG के द्वारा इस मामले की गहराई से जांच की मांग की। इस पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चंद्रपुर के जिला उपाध्यक्ष राजू कुकड़े, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि उपस्थित रहे। इस विषय की जानकारी देते हुए अशोक जीव तोड़े से संपर्क करने के प्रयास किए जाने पर पता चला कि विदेश दौरे पर उन्हें होने से उनसे संपर्क नहीं हो सका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। गोपाल जी राजू सातपुते है, मेरे हाथ की उम्र 85 साल की है। मैं सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक हूँ और माजी अध्यक्ष हूँ। मैंने चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल में 59 से 2000 तक ईमानदार इतबारी से मैंने सेवा की है। मैंने सब देखा, ये मंडल में इतना गैर कारोबार चलता है, दलशाही चलती है कि कर्मचारी लोगों का कुछ भी आप हाँ यानी गुलाम जैसे उसकी बर्ता रहती है। इसलिए वो मंडल तोपर में चांदा शिक्षण प्रसारक गवर्नमेंट ने ले लिया। 91 में जनरल इलेक्शन हुआ, ये अभी जीतोड़े के मंडल आ गया इनके हाथ में। इनका सर्व जिम्मेदारी सचिव करके अशोक जीतोड़े संभाल रहे हैं। इनके कारकिर्द में बहुत ही कर्मचारी लोगों की बहुत ही लूटमार हो रही है और नाना तरह से पैसा कमाने का वो युक्ति लड़ाती है, नाना तरह पैसा कमाने के लिए। चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर के सचिव डॉक्टर अशोक जीवतोड़े, इनके जो संस्था जो है, इनके शाखाएं करीबन जो है 15 शाखाएं हैं। वहाँ पर प्राध्यापक, अध्यापक और जो कर्मचारी जो है उनकी जो भर्ती होती है उसमें बड़े पैमाने पर जो है इन्होंने गैरव्यवहार किया है। गलत तरीके से उनकी नियुक्ति करके विद्यार्थियों की पट संख्या ज़्यादा दिखा के जो है नियुक्ति की गई है। और इस संबंध में जो है गोपाल राव सातपुते जो खुद जो है वहाँ चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के एक संस्था एक स्कूल में जो है मुख्याध्यापक रहे हैं, उनको भी बड़ी पैमाने पर जो उनको तकलीफ दी गई, उनके 18 बार उनका ट्रांसफर किया गया और उनकी पदोन्नति नहीं दी तो उनको कोर्ट से पदोन्नति लानी पड़ी। इस प्रकार का जब जो बिहेवियर जो है वो संस्था के जो सचिव कर रहे हैं और ऐसे कितने सारे लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो है दबाव तंत्र का उपयोग करके जो है अपने मर्जी से उनको काम करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।